हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे, गूगल सीट की सीरीज में बात करेंगे फंक्शंस। हमने लास्ट वीडियोज में आपके साथ डिस्कस किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और अब हमने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल, इसमें क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आप अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है जो कि आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, या अदरवाइज न्यू पे जाके आप यहाँ पे गूगल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एक नया गूगल शीट क्रिएट किया है। हम व्यू में जाके इसकी जूम साइज को हम बढ़ा देते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की। जी हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम आपके साथ इस क्लास में बात करेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। आपकी एक्सेल हो या गूगल सीट हो, हमारे पास दो तरह के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 20 और 30 टाइप किया हुआ है, मुझे इसका सम करना है। तो एक तो है कि आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लें। इक्वल से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। जब इक्वल प्रेस कर देते हैं तो गूगल सीट या एक्सेल को पता चलता है कि इसके आगे फॉर्मूला टाइप होने वाला है, कैलकुलेशन करना है, इसको वैल्यू को शो नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने वैल्यू 1 को सिलेक्ट किया, या 1 से लेके 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करके सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस के साइन से भी जोड़ सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये जो प्लस का साइन नाम वाला चीज हमने मेथड अपनाया, हमारे पास ऐसे टोटल 5 साइन है। पहला है आपका प्लस, सॉरी इसमें सिंगल को लाया करना पड़ेगा क्योंकि तो प्लस से ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड एक है हमारा पावर। ये 5 आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसकी मदद से आप जो नोट पैड पे मैथमेटिकल फॉर्मूला वाले जो नोट पैड में कैलकुलेशन करते थे, आप याद होगा आपको 10th 12th की क्लासेस में, वो सारी कैलकुलेशन आप एक्सेल पे कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। लेकिन जो सम जैसे इनबिल्ट फॉर्मूला, जैसे कि सम है हमारा ये इनबिल्ट है, आप उतने ही यूज कर सकते हैं जितने गूगल ने आपको दिया है। इंसर्ट के अंदर, फंक्शन लिस्ट के अंदर जितने फॉर्मूला आपको दिख रहा है इतने ही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आप और फॉर्मूले नहीं लगा सकते। इसलिए हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर के ऊपर। इसके लिए कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे कि मेरे पास Q1 है और हमारे पास Q2 है। Q1 में 50 सेल है, Q2 में 55 सेल है, तो मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। इसका ग्रोथ क्या होगा? तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें इसी चीज को, अगर हम पेन पेंसिल से नोटपैड पे करें तो क्या होगा? हम फॉर्मूला अपनाएंगे कि लेटेस्ट Q2 लेटेस्ट है माइनस ओल्डेस्ट Q1 ओल्डेस्ट है डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। इसमें हमारा परसेंटेज फॉर्मूला निकल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज पता चल जाएगा कि परसेंटेज क्या है। अब इसी फॉर्मूले को हम करेंगे यहाँ पे, तो हम बोर्ड मास मेथड को यूज करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में हमने Q1 को लिया मल्टीप्लाई बाय Q2, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, माफ कीजिएगा, गलत कर दिया हमने, यहाँ Q2 में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट एंड डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। एंटर मारिए। अब इसमें हमने 100 नहीं किया क्योंकि जैसे आप इसको परसेंटेज के साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई बाय 100 होके आपको 10% दिखा देगा। तो 10% मुझे यहाँ पे दिखा दिया और आपके सामने रिजल्ट है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलें तो क्या होगा? अब इसमें एक चीज और भी है कि आप फॉर्मूला मर्जिंग मेथड भी सीखोगे। कल के डेट में बड़े बड़े लंबे लंबे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है,
मेरे पास यहाँ पे रेट है, मेरे पास टाइम है। 50,000 रुपीज आपने किसी से लिया 7% की इंटरेस्ट रेट पे 3 सालों के लिए, तो आपका अमाउंट क्या होगा? मुझे अमाउंट निकालना है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास मैथमेटिक में फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं लेकिन जो जो कॉमन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/n, और फिर इसके बाद हम करते हैं पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब चलिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे टिगर करते हैं। तो सबसे पहले हम, अब देखिए इतना लंबा फॉर्मूला को टिगर करने में हो सकता है कि आपकी परेशानी हो, तो हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं आर इक्वल टू एन, एन क्या है नंबर ऑफ पीरियड, तो हम मान लो मंथली है तो हम 12 ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, B9 को 12 से डिवाइड किया, देन इक्वल 1 + और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया 1 + r/n फाइनल है। उसके बाद टी मल्टीप्लाई बाई एन मतलब कि टाइम, तो टाइम 3 साल है और एन 12 है, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 आया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, पावर है, तो हमने क्या किया कि इसको लिया और पावर का साइन दिया 36, तो 36 का पावर आ गया 1.23 पॉइंट समथिंग आ गया। उसके बाद इसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कि 61,646 रुपीज। कैलकुलेशन हो गई, रिजल्ट आ गया, वाह वाह। लेकिन हमने इसके लिए कई सारे कॉलम्स इस्तेमाल किए। अब इतने सारे कॉलम में डेटा होगा, दिक्कत होगा। अब सारे कैलकुलेशन को समेट के हमें यहाँ पे एक सेल में रखना है, तो सिंपल है। ये जो है फॉर्मूला हमारा किससे लिंक है, A12 से। A12 पे गए और A12 का फॉर्मूला जो किसी से लिंक नहीं है उसको कॉपी करते हैं, और यहाँ जहां पे A12 है उसके जगह पे ब्रैकेट, ब्रैकेट इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, ब्रैकेट में डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आ गया। अब मैं इसको आसानी से डिलीट कर सकता हूँ। फिर वापस मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, और यहाँ ये लिंक है B12 से, B12 के जगह पे ब्रैकेट में B12 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, B12 को आसानी से डिलीट किया जा सकता है। देन C12 से C12 को कॉपी किए, और फिर यहाँ C12 का जो फॉर्मूला है उसके जगह पे C12 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब मैं C12 को आसानी से डिलीट कर सकता हूँ। वापस आते हैं और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं C13 को, और जहां C13 है वहां पे C13 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब C13 को डिलीट किया जा सकता है, और फिर इसको कट कीजिए और ऊपर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, कट करके पेस्ट कीजिए, कॉपी मत कीजिए। कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि आपका रेफरेंस भी ऊपर नीचे होने का डर रहता है, कट करने में ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है कि आपका रेफरेंस को मैनेज किया जाए। ये जो हमने देखा आपके सामने, ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा। अब मेरी वीडियोस यूट्यूब पे भी जाती है तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सिंपल है, आपने बड़ा लेंथी कर दिया, इसको तो आसानी से किया जा सकता था। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं जहां आप लोग जरूर कहेंगे सर ये तो आसानी से नहीं किया जा सकता है, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड ही परफेक्ट है इसके लिए। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, चलिए बताते हैं आप। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 50 रुपीज, मुझे इसकी MRP निकालनी है। तो MRP निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 50 मतलब जो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कॉस्ट का 5% निकालता है और अपने कॉस्ट पे ऐड कर देता है। तो 50 रुपये की कॉस्ट ली थी मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपये है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया 5% ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अपनी खरीद के ऊपर
वो 10% का कमीशन रखेगा और किसको दे देगा? होलसेलर को। होलसेलर क्या करेगा कि अपने खरीद का 15% का मार्जिन रखेगा। और अपने खरीद में ऐड करेगा और दे देगा इसको रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा? अपने खरीद में से 20% का कमीशन रखेगा और ऐड करेगा F15 को और रिजल्ट दे देगा 50 आपको 79.695, मतलब कि 80 रुपये लमसम प्राइस हुआ। बट इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने कितना लंबा प्रोसीजर को फॉलो किया? अब मुझे सबको एक सेल फॉर्मूले में मर्ज करके यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, सेम चीज यहाँ भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ जहां पे C15 था उसके जगह पे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो अपना टोटल में ध्यान रख दीजिएगा, टोटल अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। कॉपी किया और यहां जहां पे C16 है उसके जगह पे ब्रैकेट में हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहां भी C16 है, इसके जगह पे भी इसको पेस्ट कर रहे हैं, मतलब C16 को अब डिलीट किया जा सकता है। अब आते हैं D15 का फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं और जहां D15 है उसके जगह पर हम D15 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, D15 को डिलीट किया जा सकता है। अब D15 को उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जहां E15 है, E16 के जगह पे E16 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं और यहां भी हमारा E16 है, D16 पे D16 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिए। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे वन बाय वन हम कॉपी पेस्ट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे, फॉर्मूला धीरे 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 लार्ज होता चला जाएगा आपका। इतना लंबा फॉर्मूला एक बार में लगाना तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग तो लर्नर है, आप कैसे लगा पाएंगे? अगर कोशिश करते भी हैं तो कई बार गलतियां होंगी, आपको हमेशा शक रहेगा कि रिजल्ट सही है या नहीं है। लेकिन इस मेथड से आपको परफेक्ट पता है कि मेरा रिजल्ट 100% सही है, क्योंकि आपने हर स्टेप को ब्रेक करके चेक कर लिया हुआ है। और ये चीज हम फॉर्मूले की पहली क्लास में इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आगे चल के जब हम बड़े बड़े फॉर्मूले लगाएंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई हमने इतना लंबा फॉर्मूला को ऐसे क्या कर दिया। अब इस पर रिपीट कर, फाइनल रिजल्ट हो गया, कट करते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब आप सामने देख लीजिए कि इतना लंबा फॉर्मूला मैनुअली लिखना पॉसिबिलिटी तो नहीं थी। हो सकता है इसका शॉर्टकट हो, बहुत लोग कह सकते हैं जो मैथमेटिकल चैंपियन हो सर इसको तो सिंपल सा इससे लगा लेते हैं, लेकिन हमारा फोकस मैथमेटिकल नहीं था, हमारा फोकस था फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कि किस तरह से आप लार्ज फॉर्मूले को ब्रेक करके पहले स्प्लिट करें फिर वन बाय वन उसको कंबाइन करें। तो YouTube पे मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, sujitkumar.ipt फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको मेरी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, मेरे चैनल में वीडियोज मिलेंगे। और आपको कंबाइन वीडियोज चाहिए सिक्वेंस में तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जो कि मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे पड़ा हुआ है। थैंक यू।